और कैसी बजेगा। और दोस्तों, क्या हाल है आप सभी के। स्वागत है आप सभी का एक बार दोबारा से आपके अपने चैनल रियाज स्टॉक्स में दिल से। अगर आप चैनल नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में ऑल नोटिफिकेशन को दबाना ना भूलना ताकि कोई अपडेट आपसे मिस ना हो सके। साथ में दोस्तों, आप हमें टेलीग्राम ट्विटर इंस्टा फॉलो कर सकते हो, सभी लिंक्स आपको नीचे मिल जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। दुनिया में बम फटे या कुछ भी हो, अगर गिरावट होती है तो इस 7 रुपए के पेनी स्टॉक को जितना हो सके उतना बाय करना, लेकिन एक लिमिट के साथ, एक स्टॉप लॉस के साथ। समझ आ गया। वैसे मैं नहीं चाहता हूं कि दुनिया में बम फटे, लेकिन जस्ट अगर हो जाता है कुछ, ठीक है, दुर्घटना घट जाती है, तो ये जो स्टॉक है आप जितना नीचे मिले उतना बाय करना। समझ आ गया। ये बातें मैं क्यों कह रहा हूँ, बातें इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि स्टॉक का जो चार्ट पैटर्न है वो रॉकेट होने वाला है और स्टॉक आपको मंगल ग्रह तक जाते हुए नजर आएगा। तो डेफिनेटली आप स्टॉक को एक्युमुलेट करके चल सकती हो इस प्राइस में। और स्टॉक ने लगातार 3 से 4 बार 7 रुपए के प्राइस में सपोर्ट ले लिया है, तो नजरों में रखो स्टॉक को और जितना हो सके बाय करो। ठीक है, मैंने स्टॉक को अभी तक बाय नहीं किया है। अब आप बोलोगे सर आपने तो बाय नहीं किया, मैं क्यों बता रहे हो फिर। तो भाई सुनो, ये स्टॉक जबरदस्त है, आज 7 रुपये मिल रहा है, लेकिन अगले 1-2 साल के अंदर 7 रुपये नहीं मिलेगा। आपको एक रियल एग्जाम्पल दिखाऊंगा, बहुत सारे स्टॉक आपको सजेस्ट किए जिसमें पैसा मल्टीप्लाई हुआ, और सभी वो स्टॉक अभी मेरे पोर्टफोलियो में है। ऊर्जा ग्लोबल, ट्राइडेंट, ठीक है, BCG, आपका ओरियंट ग्रीन पावर, सिंटेक्स, राइट। ये 4-5 एग्जाम्पल्स है जो सेम प्राइस में ट्रेड करते थे और अच्छा रिटर्न कमा के दिया। सुजलॉन, ठीक है, आप सुजलॉन को भी देख सकते हो, सुजलॉन ने भी काफी अच्छा हमें रिटर्न कमा के दे रहा है। समझ आ गया। जी हाँ दोस्तों, मैं इस स्टॉक की बात कर रहा हूं, नोएडा टोल ब्रिज कंपनी, जो NSE का पैनी स्टॉक है। तो ये स्टॉक को आप चाहो तो नजरों में रख सकते हो। लास्ट 5 सालों से स्टॉक ने कुछ रिटर्न नहीं कमा के दिया शेयर होल्डर्स को, लेकिन अब इसका टाइम आ चुका है। ये स्टॉक बहुत जल्द ऊपर जाने के लिए रेडी है और ये मचल रहा है ऊपर जाने के लिए कि मैं कब ऊपर जाऊं। और ये बहुत जल्द आपको कम से कम 20 से 30 रुपए के टारगेट दिखा सकता है शॉर्ट टर्म में। स्टॉक ने जो लो लगाया है, 2 रुपए का लो लगाया है, सपोर्ट लिया है वहां पर, और अभी स्टॉक का प्राइस लास्ट 1 साल से एक टाइट रेंज में ट्रेड कर रहा है। और यही पैटर्न की मैं बात करता हूं, जहां कोई स्टॉक आपका लगातार एक रेंज बना रहा हो उसी रेंज में स्टॉक को आप बाय करिए। और ये स्टॉक अभी आपको 2.5% के आसपास का रिटर्न दे रहा है, और जो भी इसका प्राइस है वो 8 रुपए के आसपास का है। समझ आ गया। तो ये स्टॉक है, नजरों में रखो। अब आप बोलोगे सर इसके तो फाइनेंशियल बहुत बेकार है, तो मेरे दोस्त पैनी स्टॉक में अगर आप फाइनेंशियल ढूंढ रहे हो तो वो अच्छी बात नहीं है। आपको पैनी स्टॉक में फाइनेंशियल नहीं ढूंढने हैं, आपको पैनी स्टॉक में रीजन ढूंढना है, लॉजिक ढूंढना है। ठीक है, आप कूड़े में पैसा डाल रहे हो, आप कूड़े में आपको सोना ढूंढना आना चाहिए अगर आता है। ठीक है, अगर आपको कूड़े में सोना ढूंढना आता है तो आप कूड़े से पैसा बना सकते हो। ठीक है, तो नोएडा टोल ब्रिज 8 रुपए का पैनी स्टॉक है। अब देखो मैं आपको 2-3 लॉजिक समझाता हूं, जैसे कि नाम डज मैटर। ठीक है, टाटा का नाम है, ठीक है, टाटा का कोई भी स्टॉक उठा के देख लो, TTML एक पैनी स्टॉक था, लेकिन टाटा का नाम था उसके आगे, तो वो स्टॉक 200 रुपए का हाई लगा के आया है। तो नाम मैटर करता है कि कंपनी का नाम क्या है और कितनी पुरानी कंपनी है। तो ये जो नोएडा टोल ब्रिज है, नाम देखो कितना प्यारा नाम है, नोएडा, तो मतलब कुछ ना कुछ बात है। ठीक है, क्योंकि नाम, अगर आपका नाम अच्छा होगा, खैर देखो स्टॉक मार्केट साइकोलॉजी का गेम है, बहुत सारे लोग तो सिर्फ नाम को देख के पैसा इन्वेस्ट करते हैं स्टॉक में, और सच्चाई है इसमें, ये झूठ नहीं है, सच्चाई है। ठीक है, अगर मैं आपको बोलूं रिलायंस और TCS से आपको बाय करना है, दोनों के फंडामेंटल एनालिसिस अगर आप करते हो सेम है, तो आप कहाँ जाना पसंद करोगे। आप बोलोगे मैं TCS में जाऊंगा क्योंकि आपको टाटा का नाम दिख गया, और जिसको रिलायंस पसंद है वो बोलेगा मैं रिलायंस में से डालूंगा क्योंकि उसको रिलायंस का नाम अच्छा लगता है और रिलायंस अच्छा लगता है। समझ गए। तो भाई सबका अपना अपना विचार है, अपना अपना थिंकिंग है, तो नाम मैटर करता है पर्सनली मेरे लिए, और कितनी पुरानी कंपनी है वो भी मैटर करती है। ठीक है, बाकी बात करते कंपनी के बारे में, तो देखिए स्टॉक अपनी बुक वैल्यू से काफी सस्ते में ट्रेड कर रहा है। स्टॉक की रियल वैल्यू 15 रुपये, तो 15 रुपये स्टॉक को जाना निश्चित है। ठीक है, 15 रुपये स्टॉक पक्का जाएगा, राइट। 5 रुपये का लो है
8 रुपए का अभी ट्रेड कर रहा है, मतलब स्टॉक अपने 52 सप्ताह के लो के आसपास ट्रेड कर रहा है। 5 रुपए का ही हमारा स्टॉप हो जाना चाहिए, ठीक है, प्लस होल्डिंग 1 रुपए की नहीं है स्टॉक में। बाकी अगर बात करते हैं कंपनी, ये तो आपको दिखा दिया मैंने, ठीक है, बाकी नंबर्स देख सकते हो कंपनी के, लगातार लॉस मेकिंग है, क्योंकि आपको पता है, मैं मुझे नहीं, देखो आपको नहीं पता होगा, मुझे पता है, इसका एक केस चल रहा है नोएडा का, ठीक है, जो फ्लाई ओवर्स होते हैं ना नोएडा टोल में, नोएडा टोल नाम है इसका, तो फ्लाई ओवर्स के ऊपर इसका केस चल रहा है जो अभी रिजॉल्व नहीं हुआ है, और इसी वजह से स्टॉक का प्राइस इतने ऊपर से नीचे गिरा है, क्योंकि वो कुछ केस अभी अटका हुआ है, जब वो केस का कुछ आएगा तो ये स्टॉक का प्राइस दोबारा ऊपर जाना स्टार्ट होगा, स्टॉक में रोज अपर सर्किट लगेगा, इसलिए कह रहा हूँ पकड़ लो। और मैं सच बताऊं तो स्टॉक में न्यूज वाला पैटर्न बन चुका है 7 रुपए के प्राइस में, पकड़ लो, स्टॉक में बड़ी न्यूज आने वाली है। अब वो न्यूज कब आएगी आई डोंट नो, लेकिन आने वाली है, ठीक है, स्टॉक अगर आपको डबल डिजिट में देखिए बहुत जल्द ना, चौंकना मत, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हो नंबर्स, लॉस मेकिंग है लास्ट 5 सालों से, और बैलेंस शीट भी आप देख सकते हो, रिजर्व लगता ग्रो हो रहे, और जो कंपनी का डेट है 67 करोड़ का है, और अगर बात करते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न, तो आप देख सकते हो 26% प्रमोटर्स की होल्डिंग है, और आपके DIS की होल्डिंग 1% है, और गवर्नमेंट गवर्नमेंट का स्टेक भी स्टॉक में 5% के आसपास है, पब्लिक की होल्डिंग स्टॉक में 66% के आसपास हमें देखने को मिल जाती है। तो पब्लिक का आप देख सकते हो, रिटेल का इंडिविजुअल होल्डिंग थोड़ी कम है स्टॉक में, मतलब है भैया होगी 50% के आसपास, ठीक है। तो भाई स्टॉक को नजरों में रखो, मेरे हिसाब से कंपनी के 2-3 रीजन काफी है स्टॉक को बाय करने के, बुक वैल्यू सस्ते में ट्रेड कर रहा है, प्लस होल्डिंग नहीं है, और नाम अच्छा है, पुरानी कंपनी है, ठीक है, साथ में चार्ट पैटर्न औसम है, सबसे औसम है इसका चार्ट पैटर्न, तो आपको दिखाता हूँ अभी कहाँ आपको स्टॉप लॉस लगाना चाहिए, उससे पहले आप देख लेते हैं कि NSE में क्या काम हो रहा है। तो NSE में आप देख सकते हो यहाँ पर ऑलमोस्ट 93,000 शेयर ट्रेड किए गए थे, उसमें से 79 शेयर लोग घर लेके गए, और 85% की डिलीवरी उठाई गई है इंट्राडे में, समझ आ गया। तो दोस्तों आप देख सकते हो स्टॉक का जो RSI है 45 के आसपास ट्रेड कर रहा है, मतलब स्टॉक हमें अभी सस्ते में मिल रहा है, तो RSI इंडिकेटर को मैं हटा देता हूँ, और वॉल्यूम स्टॉक में आप देख सकते हो लगातार ग्रो हो रहा है, तो मैं वॉल्यूम को भी हटा देता हूँ, क्योंकि आप लोग कहते हैं कि सर प्राइस दिखता नहीं है हमें, तो आप देख सकते हो स्टॉक का प्राइस 8 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है अभी कैंडलस्टिक पैटर्न में, ठीक है, और 7 रुपए 38 पैसे, 7 रुपए 38 पैसे इज माई बाइंग प्राइस, 7 रुपए 38 पैसे स्टॉक का सबसे अच्छा प्राइस, देखो यहाँ सपोर्ट लिया, यहाँ सपोर्ट ले रहा है, तो 7 रुपए 50 पैसे स्टॉक अगर आपको मिलता है आंखें बंद करके बाय कर लो 5 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ। अब मैं आपको थोड़ा मनी मैनेजमेंट सिखा देता हूँ, अगर आप 1,000 क्वांटिटी बाय करोगे तो यहाँ पर आपका जो लॉस होगा वो 2,000 रुपए का है, ठीक है, आप ये मत सोचो कि इतना इन्वेस्टमेंट करिए, देखो कि लॉस कितना होगा, तो आपका 2,000 रुपए का मात्र लॉस है। अब बात करते हैं रिस्क रिवॉर्ड की, तो रिस्क रिवॉर्ड यहाँ पर होना चाहिए कम से कम 5,000 रुपए का प्रॉफिट, 2,000 खोने के बाद 5,000 मिलने चाहिए, कैपिटल कितनी गई डज नॉट मैटर, ठीक है, मैटर नहीं करती, डू नॉट मैटर, मैटर क्या करता है कि कितना प्रॉफिट हुआ उसमें, तो 2 के ऊपर 5 का प्रॉफिट हो जाएगा। अब ये पैटर्न क्यों सक्सेसफुल होगा उसका एक रीजन आपको बता देता हूँ, लुक एट द पैटर्न, अगर आप थोड़ा बहुत समझते हो मेरे पैटर्नों को, ठीक है, जैसे आपको पता है ये पैटर्न आपको कहीं नहीं मिलेंगे बुक्स में, ठीक है, तुम्हारा भाई भी कभी किताब लिखेगा तो वहां पर ये पैटर्न रिवील करूंगा, तो देखो अगर ये जो पैटर्न है ये रहा, ये जो पैटर्न, अगर वीडियो अभी तक देख रहे हो तो लाइक करना, और नीचे कमेंट में बताओ अभी तक देख रहा हूं मैं, ठीक है, क्या पता बहुत जल्दी ये पैटर्न रिवील कर दूं आपके साथ में वीडियो के बीच में ही। देखो ये एक रजिस्टेंस, दो रजिस्टेंस, तीन रजिस्टेंस, चार रजिस्टेंस, पांच रजिस्टेंस, और सभी के सभी सपोर्ट की तरह अब काम करेंगे यहां पर, ठीक है, तो ये एक पैटर्न है, तो ये एरिया पूरा सपोर्ट एरिया बन चुका है तगड़ा वाला 7,50, ठीक है, जो रजिस्टेंस एरिया था वो सपोर्ट बन चुका है 7,50 सपोर्ट एरिया है स्टॉक का, तो यहाँ स्टॉक को बाय करो, और अगला जो सपोर्ट है 5 रुपए का, तो यही हमारा स्टॉप लॉस जाएगा 5 रुपए का, आप स्टॉक को 5 रुपए के प्राइस में भी एकुमुलेट कर सकते हो, ध्यान रखना अगर स्टॉक 5 रुपए आता है तो बाय करना, वहां घबराना मत, वहां स्टॉप लॉस मत कट करना, बाय करना, मतलब क्या होता है, देखो देखो मान के चलो ये मेरा कहने का स्टॉप लॉस था, तो ये मेरा स्टॉप लॉस था, ये देखो ये सेम प्राइम सपोर्ट लेके ऊपर भाग गया, तो ये स्टॉप लॉस नहीं होता है, स्टॉप लॉस जब भी अप्लाई करना है क्लोजिंग बेसिस में, आपका जो स्टॉप लॉस होता है वो बाइंग अपॉर्चुनिटी होती है, बड़े लोग वहां पर बाय करते हैं, आप लोग वहां सेल करते हो, बड़े लोग वहां बाय करते हैं, तो आपको क्या करना है वहां पर बाय करना है, सेल नहीं करना है, सेल नहीं करोगे कब करोगे जब वो नीचे क्लोज कर देगा और आपको कंफर्मेशन दे देगा तब आपको सेल करना है, सेल ऐसे नहीं किया जाता, स्टॉप लॉस ऐसे नहीं अप्लाई किया जाता, समझ आ गया। 5 रुपए में भी बाय करना, 7 रुपए 50 पैसे में डेफिनेटली बाय करना, टारगेट की बात कर लेते हैं,
तो ये जो रेंज है इसका 20x और सॉरी 10x का टारगेट वेट करो। 10x होता है 27 रुपए का टारगेट। 27 रुपए के टारगेट के लिए इंतजार कर सकते हो आप नोएडा टोल ब्रिज में। देखो अभी वीडियो बना रहा हूँ, आज की डेट देख लो भाई कब की है। आज है 8 मार्च 2022। नोएडा टोल ब्रिज अभी 8 रुपए का इस पर ट्रेड कर रहा है। 7 रुपए पे स्टॉक को बाय करो, 5 रुपए का स्टॉप लॉस। और ये स्टॉक आपको कम से कम 30 से 35 रुपए के टारगेट दिखा सकता है। 30 से 35 रुपए, जब 30 से 35 रुपए आएगा तो ये छोटी सी रील्स या जो भी होता है शॉर्ट आपको दिख जाएगा। देख लेना, एंजॉय कर लेना। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में।